अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद गुलनास टी। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही लज्जतदार मज़ेदार भरवा भिंडी की रेसिपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो हम आधा कटोरी फ्रेश नारियल ले लेंगे और उसके बाद में हम उसके अंदर आधी डली लहसुन की डालेंगे और 6 से 7 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे और इसके अंदर हम 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर इसे पीस लेंगे। हमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है पीसते वक्त, बस ऐसे ही पीस लेना है। इसके बाद में हमें इसके अंदर आधा प्याज चॉप कर डालना है, बहुत ही बारीक बारीक चॉप करके आपको डालना है और उसे भी इस मिक्सचर में अच्छे से मिला लेना है। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से मिक्सचर में प्याज मिला लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा मिक्सचर तैयार है। अब इसके बाद में हम भिंडी ले लेंगे, उस टॉप और बॉटम हम कट कर लेंगे और इस तरह से एक चीरा लगा लेंगे और उसके अंदर की जो बीजें हैं उसे हमें अंगूठे की मदद से इस तरह से निकाल लेनी है, या आप बारीक छुरी का इस्तेमाल करते हुए भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें भिंडी पूरी तरह से खाली कर लेनी है और एक भिंडी मैं आपको इसी तरह से करके बताऊंगी। तो इससे पहले ये देखिए कि इसके अंदर हमें इस तरह से जो मिक्सचर है हमारा भर लेना है और हाथों से इस तरह से प्रेस कर बंद कर लेना है। देखिए, दूसरी भिंडी भी मैं आपको उसी तरह से करके बता रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक चीरा लगा लेना है और अंगूठे की मदद से उसकी जो बीजें हैं वो निकाल लेनी है। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप अगर बीज नहीं भी निकालते हैं तो भी चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये भी बीजें निकाल ली है उसी तरह से जिस तरह से हमने की थी पहले वाली भिंडी की, और इसी तरह से हमें ये खाली कर इसके अंदर बैटर जो मिक्सचर है हमारा वो भर लेना है। सारी भिंडियों को हमें इसी तरह से करना है। अगर आप बीजे नहीं भी निकालते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे एक भिंडी मैंने आपको बिना बीज निकाले कर बताई है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको चीरा लगा लिया है भिंडी को और इस तरह से भर लिया है। तो इस तरह से आपको ये भर लेना है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारी भिंडियाँ तैयार कर ली है। अब इसके बाद में हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हम एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल ले लेंगे, उसे अच्छे से गरम करेंगे, उसके अंदर करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता डालेंगे और एक एक कर भिंडी इसमें प्लेस करेंगे और मीडियम हमें फ्लेम रखनी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है। थोड़े से हरे धनिए से आप इसको गार्निश करिए और इसे ढक कर 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम तक पकाइए। तो 4 से 5 मिनट होने के बाद में हमें ढक्कन खोलकर इस भिंडी को पलट लेना है इस तरह से। तो आपको इस तरह से पलटना है कि जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे की तरफ हो जाए, क्योंकि हमें भिंडी को एक अच्छी तरह से भून लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे ऊपर के पार्ट थे वो भी अच्छे से पके। तो हमें अच्छे से भिंडी को टर्न करना है। तो टर्न करने के बाद में फिर से हमें भिंडी ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद में हम चेक करेंगे कि हमारी भिंडी पकी है या नहीं। हमारी भिंडी जो है अगर आसानी से टूटती है तो इसका मतलब वो पक चुकी है और इसी तरह से उसके ऊपर कलर भी आना चाहिए। और बचा हुआ जो मसाला है आप भिंडी पकने के बाद में इस तरह से ऐड करेंगे और उसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। हमें ये मसाला बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो इस तरह से हमें बस पलट लेना है मसाले को। तो हम पलटने के बाद में मीडियम फ्लेम ही रखेंगे और इस तरह से मसाला मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, और फिर इसके बाद में हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो हमारी जो भरवा भिंडी है वो बनकर तैयार है और फाइनली मैं इसको गार्निश करूँगी ताज़ा हरे धनिए से। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।